हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट के ठिकाला जोन में स्टे और सफारी के लिए। ये ठिकाला में एंट्री करने के लिए धामगिरी गेट है। यहाँ पर आपको आना पड़ता है, अपना परमिट चेक कराना होता है जो कि प्री बुकिंग होती है जिसकी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ठिकाला क्या है। तो ढिकाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर में है उत्तराखंड, वहाँ पर एक जोन है ढिकाला, जिसके अंदर विच इज़ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स इनसाइड द जंगल एक रेस्ट हाउस है और उधर ही आप सफारी कर सकते हो। तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको प्री बुकिंग करनी होती है, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जो कि मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाके आप उसकी प्री बुकिंग कर सकते हो 1 मंथ एडवांस, और तभी आप अलाउड हो अंदर जाने के लिए जिप्सी में। अदरवाइज डे विजिट के लिए कैंटर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि उनकी भी बुकिंग वहीं पर होती है जो वेबसाइट में आपको बता रही हूँ। तो अब हमारा 3 डे का स्टे है, जो कि आज फर्स्ट डे है। हम लोग जा रहे हैं और ये रास्ता है बहुत ही अमेजिंग सा, सुबह बहुत खुश है। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए बेस्ट जगह है घूमने के लिए, कोई भी हमसे पूछता है हम तो रिकमेंड करते हैं इसको। एक्चुअली ये रास्ता पूरा ही जंगल है, मतलब वंस यू एंटर फ्रॉम द गेट आपकी सफारी स्टार्ट हो जाती है। कहीं पे भी कुछ भी एनिमल आप स्पॉट कर सकते हो, डियर्स, एलिफेंट एंड ऑफ कोर्स टाइगर भी स्पॉट कर सकते हो इफ यू आर लकी। बट ऐसे जो मेन कोर एरिया है वो ढिकाला का रेस्ट हाउस के अराउंड ही है, जहाँ पे फॉर श्योर तो नहीं कहूँगी मैं, साइटिंग ऑफ एनिमल्स एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा है। अभी इस रास्ते में हमें एक स्नेक दिख गया। अब ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल था कि ये पाइथन है कि कोबरा है कि कौन सी स्पीशीज़ है, बट एक स्नेक था जो कि पहली बार हमें ऐसे देखा कहीं रोड पे, या ऐसा स्नेक हमने पहली बार देखा था। और हम थोड़ा ही आगे चले थे कि हमें एक टाइगर स्पॉट हुआ। ढिकाला का जो मेन रेस्ट हाउस है उसके पास में ही, मतलब ऑलमोस्ट सामने ही एक फायर लाइन है जहाँ पर हमें ये टाइगर स्पॉट हुए। तो ये वैसे एक नहीं, 2 टाइगर्स थे। और फिर बहुत ही एक्साइटिंग हो गया वहाँ पे सब कुछ कि अरे ये सब मूवमेंट करेंगे और ये कहाँ जाएंगे। बहुत सारी हमारी तरह सफारी जिप्सीज वहाँ पर आ गई। बहुत लोगों ने वेट किया, बट फिर वो शायद इतनी भीड़ देखकर या इतना मूवमेंट देखकर बाहर नहीं निकले। और हमारी सफारी का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, तो हमें गैरल जाना था जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट दूर है इस जगह से। तो एक टाइम लिमिट होती कि 5:30 तक हमें बहुत जाना है गैरल, तो उसकी वजह से अब हमें यहाँ से जाना पड़ा। बट टिल देन हमने 2 टाइगर देखे थोड़े दूर से ही सही, कुछ पिक्चर्स आई क्योंकि लाइट बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हमने वेट किया, बहुत सारा वेट किया कुछ मूवमेंट होगा, बट क्योंकि हमारा टाइम होने वाला था तो हमें जाना भी था। बाकी सब आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखें। जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे तो जो 2 टाइगर थे उनमें से एक टाइगर ने क्रॉसिंग करी, मतलब रोड क्रॉस करी। उस टाइम थोड़ा रिकॉर्डिंग का गड़बड़ हो गया था मुझसे, तो जब वो रोड पे था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट जब वो बाहर आया और वो दूसरी साइड अंदर गया उतना रिकॉर्ड हो पाया। तो देखो इट्स वेरी एक्साइटिंग जब भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर सकते हैं वो। आपसे पूछ के तो कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ मन है वो वहाँ जाएंगे। तो ये हमें जाते जाते बस थोड़ी सी ये वाली साइटिंग एक और हुई। उसके बाद क्योंकि हम लोग ढिकाला के और भी जो रेस्ट हाउसेज हैं उनमें से गैरल में रुके थे जैसे कि मैंने बताया, तो हमें 5:30 तक वहाँ पहुँचना था। तो हम ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे, तो हमें वहाँ से निकलना था। मैंने बताया ना 45-50 मिनट्स लगते हैं, तो जंगल है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप 1 भी मिनट लेट पहुँचोगे तो पेनल्टी लग सकती है, इज़ नॉट गुड। तो हम लोग फिर चले गए वहाँ से। और केरल जाने के रास्ते में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो देखो अब कितना डार्क हो चुका था। बाकी
टाइम से पहुंच गए थे हम थैंकफुली। और ये गैरल है जो कि अगेन इनसाइड द जंगल है, बहुत ही सिक्लूडेड सा, पीसफुल, बहुत ब्यूटीफुल सा रेस्ट हाउस है ये भी। ये हमारा फर्स्ट डे ऑफ सफारी था, बाकी दिन की सफारी के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।